किस रूप में आप देखते हैं तीन अध्यादेशों को? देखो जी, कहते हैं कि आरती के लिए हमने किसानों के हित के लिए किया है, हमें तो कोई लगता नहीं है भाई ये किसानों के हित के लिए आया है। हो सकता है कोई नीति बड़ी हो, कुछ में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, पर आज इसमें किसी कोई अच्छाई नहीं लग रही है अगर इसमें कोई अच्छाई है। रही आड़तियों की बात, आड़तियों का तो काम 100% खत्म हो जाएगा, हर आदमियों ने अपने धंधे बदलने पड़ेंगे, चाहे कुछ करनी पड़े। हमारी एक फैक्ट्री, हमारे पास और तो कोई कुछ था नहीं, हमारे बाप दादाओं ने दुकान ले ली, वो कर रहे थे, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे अब करेंगे देश को। पर ये जो अध्यादेश है, जैसे अनाज मंडी से बाहर कंपनियां लेने लग जाएगी, प्राइवेट आम आदमी लेने लग जाएगा, तो अनाज मंडी में माल कौन ले जाएगा? तो अनाज मंडी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मोदी जी ने कहा बिचौलियों को खत्म करना है, तो आप लोग बिचौलियों की भूमिका में आ गए? हमारा परिवार हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। मोदी जी ने दो बार इलेक्शन लड़े, हमने तय दिल से मोदी जी की मदद करी है, और सारे पहले भी यही होते थे। ये भाजपा सरकार आड़तियों की सरकार है, तो हम ये कहते हैं आड़तियों की सरकार, तो पर आड़तियों का काम तो खत्म हो रहा है। नोटबंदी करी हमने, उसमें भी सरकार का सहयोग किया कि लोग कहते काला बाजारी, क्योंकि आड़ती कभी काला बाजारी कर नहीं है, उससे तो काला बाजारी करवाई जाती है। काला बाजारी आड़ती, जैसे आज आप मेरे पास गेहूं का कट, एक बहुत ही उदाहरण की बात बताता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, और जो भी देख रहे हैं उस बात को ध्यान से देखना। आज मेरी दुकान पे या किसी भी दुकान पे आप एक कट्टा गेहूं लेने के लिए आ गए, एक कट्टे गेहूं के लाला जी ने मांगे आपसे 2500 रुपया, लाला जी ने तो आपसे 2500 रुपया ले लिया, और 2500 रुपये कच्ची पर्ची बना के आपको एक क्विंटल गेहूं दे दिया। आप कहते हो बिल दो, बिल लाला जी ने आगे से नहीं आया, यदि बिल देता है तो वो उपभोक्ताओं को पड़ेगा 5% फीस लगा के 2600 रुपये। लाला जी अपने लिए चोरी नहीं कर रहा है, लाला जी तो चोरी कर रहा है औरों के लिए। अब ये चोरी कहाँ जा रही है, टैक्स कहाँ जा रहा है, इसकी जांच करी थी। लाला कभी चोर नहीं था, वो एक नंबर में उस कट्टे को 2500 रुपये का बेच लेगा जब भी उसको 20 रुपये मिलना है, और 2625 रुपये बेच लेगा जब भी 20 रुपये मिलना है। हमें तो आड़तियों को काम कर बेफिजूल में चोर बनाया जा रहा है। हम चोर नहीं है, ना ही हमारा, हम पहले चोर थे ना आगे। व्यापारी कभी चोर नहीं था, वो तो सुतली का चोर होता है, कभी बोरी का चोर नहीं होता है। जो 125 रुपये टैक्स की जो फीस की चोरी है वो कहीं और ही जाती है। लेकिन अब ये अध्यादेश है, आपको लगता है भविष्य को नजर आ रहा है कि इस अध्यादेश से ही आपका व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा? मंडी में जो आपकी करोड़ों की बेशकीमती दुकानें हैं, वहां किसान फसल लेके नहीं आएगा, जिस तरीके से ये कह दिया कि अब स्टॉक कोई कितना ही खरीद सकता है, कर सकता है, तो क्या लगता है महंगाई बढ़ेगी? आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? महंगाई तो भविष्य बढ़ेगी। अब एक तो 100 बोरी अनाज आता है, 100 बोरी अनाज 100 आदमी ले लेता है, और उसके पास पहले लिमिट होती थी, एक आदमी 100 की 100 बोरी ले नहीं सकता था। अब एक आदमी कोई पूंजीपति सारा 100 बोरी 10 रुपये बढ़ा के माल ले लेगा, तो ऑटोमेटिक जिसने माल 2500 में लिया वो 2490 थोड़ी बेचेगा, तो महंगाई बढ़ेगी, वो अपने हिसाब से करेगा स्टॉक सीमा खत्म होने के बाद। तो जिस तरीके से बात आ रही है कि समर्थन मूल्य को खत्म नहीं किया जा रहा है, MSP जिसकी आप जिक्र करते हो, क्या लगता है ये MSP अभी जैसा सरकार दावा कर रही है हम खत्म नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए? MSP पे कोई कानून बनना चाहिए या 12 महीने MSP लागू होना चाहिए? कानून तो ये होना चाहिए जैसे सरकार ने अध्यादेश लागू किया, इस अध्यादेश में एक ही हो, बाहर की कोई मंडी से बाहर माल बिकेगा टैक्स फीस एक होगी, अनाज मंडी के अंदर माल आएगा तो 5 लेने वाले होते हैं, 5 बोलियां लगती है, माल बिकता है, किसानों का माल भी मंदा नहीं बिकेगा और लेने वाला भी मंदा नहीं जाने देगा। भाई दूसरा मंदा बिकता है तो कहेगा 2 रुपये ऊंचा बोल के माल लेने की कोशिश। और बाहर यदि किसी गांव में जंगल में किसी ने एक आदमी ने, या मैंने ही बना रखी अपनी कंपनी, मेरे पास किसान आया, भाई गेहूं बेचना है, भाई मैं तो 1800 रुपये लूंगा, अनाज मंडी में माल जाएगा तो 2 लेने वाले वहां तो अकेला बैठा है, वो 1750 कहेगा तो ठीक है, 1800 कहेगा तो ठीक है, उसके अंदर टोली आने के बाद इसके अंदर 5% मोस्टर है, इसके परसेंट 3% करता है, तो उसकी तो मोनोपोली नहीं। अब जैसे सरकार कह रही है कि हम MSP को खत्म नहीं कर रहे, मिनिमम जो मूल्य है वो वही रहेगा और उसी भाव खरीदना पड़ेगा, क्या आप इस पे एग्री हैं कि इस तरीके का लागू रहेगा नियम? MSP का क्या होता है, MSP तो खत्म नहीं करनी। आज या बाजरा MSP के साथ 2100 रुपये के नाम है और बाजरा बाहर बिक रहा है 1300 रुपये, MSP कहाँ रहेगी? MSP तो वही होती है, वो भी किसान का माल है, राजस्थान का किसान है, हरियाणा का है, यूपी का है, पंजाब का, पूरे इंडिया का किसान तो एक है, उसने फसल उसने भी पैदा करी है, तो माल तो एक ही रेट पे MSP में बिकना चाहिए।
ऐसा कानून होना चाहिए, एमएसपी से कम माल बिकना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है एमएसपी में भी लोग खेल खेलते हैं? जब पूंजीपति करते रहे, जब आप इस बात को कह रहे हो किसान के साथ ही शोषण होता है, किसान के साथ किसान भी कर रहा है ना, किसान के साथ वो पूंजीपति वही बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। और ये तो एक इतिहास है, बड़ी बड़ी कंपनी आ जाएगी, सारे आर्थिक खत्म हो जाएंगे। और कहते हैं बिचौलिए बिचौलिए, कौन सी कंपनी ऐसी है किसी बिचौलिए था जिसने निचोड़ रखे, उन्होंने किसी ने लेबर छोड़ रखी, किसी ने अपने मुनीम छोड़ रखे, हर जगह बिचौलियों के बारे काम थोड़ी हो रहा है। एक एक कंपनी ने जो नीचे छोड़, इंश्योरेंस कंपनी लगा लो, बैंक फाइनेंसिंग कंपनी लगा लो, ये चिट फंड वाली, उन्होंने सबने कमीशन फिक्स कर रखा है। अभी तेरे को 5% मिलेगा, तेरे को 3% मिलेगा, तेरे को 2.5% मिलेगा, वो क्या कोई कंपनी सीधी बात थोड़ी करी, बिचौलिए तो उनके अंदर भी है, हम तो आड़ते हैं, बिचौलिए थोड़ी है। तो इसके मतलब आप मानते हो जो किसान कह रहा है या जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष कह रहा है कि भाई ये काला कानून है, इसके मतलब एग्री है कि ये काला कानून बन गया? कांग्रेस पार्टी की पार्टी तो सारी एक है, हमें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा। आज वो धरने धर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। अब जैसे पीछे कांग्रेस में पिछली अब कुछ टाइम पहले सीजन में कांग्रेस ने राजस्थान गवर्नमेंट में 1% मंडी में कर बढ़ा दिया गया, मंडी में कर बढ़ा दिया, पूरे राजस्थान की आढ़तियों ने हड़ताल करी, पर कांग्रेस ने कहा सुनी? नेता तो कांग्रेस के लगा लो, बीजेपी के लगा लो, दूसरी अन्य किसी पार्टी के सारे एक हैं। आज किसी की सरकार नहीं आती, 2 MLA लेके सरकार बना लिया, कल उसकी उसको गाड़ी देकर रोज करेगा, आज वो सारे अंदर खाने एक हैं। नहीं, एक और चीज आती है, तमाम जो लोग कहते हैं कि आड़ती बेईमानी करता है, कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, एक और चीज आती है, लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं व्यापारियों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, किसानों को किया जा रहा है, कहा जाता है व्यापारी चोर है, स्वयं दलाली करते हैं, बिचौलियापन करते हैं, किसानों को लूटते हैं, ये करते हैं, इस तरीके की काफी सारी बातें। क्या लगता है इसमें जब मंडी में फसल आती है तो ये व्यापारी ही चोरी करते हैं, ये और अधिकारी जो खरीदारी करते हैं वो भी इसमें कोई घपला करते हैं, या सबसे ज्यादा मुनाफा वो लोग कमाते हैं? इंडियन फिल्म वाली बात है, यदि सरकार और अधिकारी सही हो तो चोरी की क्या है, चप्पल भी नहीं उठ सकती मंदिर से, दाणा चोरी होने की तो औकात क्या है। कुछ का कुछ प्रावधान ऐसे बने हुए, 5% GST लगा, मैं GST लेके गाड़ी नहीं चला, पलंटी बन गई उसपे 100% गाड़ी होगी, गाड़ी में पलंटी होगी 5 लाख रुपए की। अब ये सोचता गलती तो मैंने कर दी, 50,000 उसको दे के छुटा लो, 50 तो उसके घर में चले गए, उसने तो 50,000 रुपए गाड़ी में कमाना था, तो मैं यही कर रहा हूँ, आड़ती कमा रहा दूसरे के लिए कमा रहा है, चोरी करा दूसरे के लिए करा, अपने लिए कोई चोरी नहीं कर रहा है। मेरे बाप दादा ने 10,000 रुपए में दुकान ली थी, आज मेरी ये दुकान की कीमत 2 करोड़ हो जाओ, 10 करोड़ हो जाओ, मैंने क्या कमाया, मैंने तो पेटी पाड़ा है, इसकी सफेदी करा ली, रंग करा लिया, बच्चे की ब्याह शादी कर ली, और मैंने बना क्या लिया है। आप 95% आदमी को उठा, 95% आदमी को उठा के देख लो, 95% किसान को उठा के देख लो, बाप दादा की जमीन है, जमीन 100 करोड़ की होगी, 1 करोड़ की होगी, जैसे छोड़ गया वो रखवाले के नाम किसी और देके चले जाएंगे। तो एज ए प्रधान अब आप क्या विरोध में उतरेंगे लगातार, जैसे कांग्रेस विरोध कर रही है, किसान कर रहे हैं, उस दिन व्यापारी बैठे भी थे धरने में, के बारे में तो कहो ना, पार्टी क्या कर रही है, पार्टी की तो अपनी राजनीति रोटी से, नहीं किसानों के साथ, व्यापारी किसानों के साथ किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, व्यापारी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन और अब आप ही की रोटी रोजी पे संकट आन खड़ा हुआ है, हमारे पर संकट आन खड़ा हुआ है, यदि हमारे पिताजी को गलत काम करें, हमारा चाचा गलत काम करे, तो हमारा हक तो है उनके साथ विरोध करने का, उनको जिताने का, बताने का, अगर आप ये गलत कर रहे हो ठीक है, करना ना करना उनकी बात, उनके हाथ की कलम उनके हाथ में, हमारा विरोध करना, हम विरोध कर रहे हैं। We'll be right back.